एक सवाल है ख्वाब के बारे में है, और सवाल ये है कि अच्छा या बुरा ख्वाब देखे तो क्या पढ़े। सवाल ये है कि अच्छा या बुरा ख्वाब देखे तो क्या पढ़े। तो जवाब गौर से सुनिए। जब कोई शख्स अच्छा ख्वाब देखे तो उसे अल्लाह की तरफ से समझे और अल्लाह की तारीफ करे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और बुरा ख्वाब देखे तो उसे शैतान की तरफ से समझे और उस के शर से पनाह मांगे और अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिहा की कलमात कहे। और एक रिवायत में है कि जब बुरा ख्वाब देखते हुए आँख खुली तो बाएं तरफ को 3 मरतबा तत्कार दे और अऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़े। दूसरा सवाल ये है कि किसी वक्त का ख्वाब सबसे ज़्यादा सच्चा होता है। तो जवाब गौर से सुने। हदीस में है कि सुबह के वक्त का ख्वाब सबसे ज़्यादा सच्चा होता है और उसकी ताबीर जल्द वाक़ हो जाती है। तीसरा सवाल ये है कि ख्वाबों पर यकीन करना कैसा है, किस किस्म का ख्वाब मुतबर होता है और देखने वालों के साथ क्या कोई क़ैद भी है। तो जवाब गौर से सुने। ख्वाब कोई यकीनी चीज़ नहीं है, इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं जिनमें इम्तियाज़ हर एक नहीं कर सकता। अगर कोई ख्वाब देखे तो पन ताबीर से मुनासबत रखने वाले मुस्तनद आलिम से उसकी ताबीर मालूम कर लिया करे।